चुराने मैं आ गया। स्वागत तो करो हमारा। आ गया दिल चुराने मैं आ गया। तो देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है BGMI के एक और गेम प्ले में, जिसमें आप देखने वाले हो सोलो वी स्कोर, जो कि मैंने खेला है। तो इस वाले गेम प्ले में ऐसी ऐसी फाइट्स होने वाली है जहाँ पे बचना मेरे लिए एक तरीके से नामुमकिन था, पर वहाँ पे भी हम उस सिचुएशन को भी हम पछाड़ के आगे बढ़े हैं। वो सब आगे आपको गेम प्ले में जरूर दिखेगा। फिलहाल बात करें तो मैं उतरता हूँ सेवर्नी में, और मेरे आसपास एक बंदा उतरा है जो कि मैंने देख लिया था। और हाँ गाइस, वो जो M4 ग्लेशियर वाले गेम प्ले ना, वो आपको परसों से देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, मैं तो हूँ। फिलहाल बात करें तो सामने बंदा है। चलो साउंड आ गई उसकी, मेरे को अपने आ गई है। हो, मेरे को पता था बंदा एम लेके बैठा है। मेरी हंसी पे बिल्कुल भी मत जाना, ऐसी कॉपी करने की कभी कोशिश मत करना, नहीं तो वो मुहावरा होता है ना, हंसी तो फंसी। तो मेरी हंसी से फंसती नहीं है कोई, डायरेक्ट चांटा ही मारती है। तब यहाँ पर मैंने इस वाले बंदे को मार दिया। उसके बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना निकला जाए, एक बोट मिलता है उसको मार के, क्यों ना सेवर्नी से निकला जाए। तभी अरे भाई कुछ टेम्पर साला बुला रहा मेरे को, भाई ये बैटरी बनाएगा मेरे लिए। ओए बंदा यहीं लेटा है। कैंपर। मैं अच्छा खासा जा रहा था, ये वाले भाई फायर करते हैं, बुलाते मेरे को फुल सांपबाजी करके। लेट्स इमेजिन गाइज, अगर मैं ब्रोकन वॉल पे गाड़ी रोक देता ये सोच के घर के अंदर है बंदा, तो मेरा क्या हाल होता। बिल्कुल अर्थी उठती यहीं से, लोबी में जाता मैं, अगला गेम खेलता। पर कोई ना, यहाँ पे इस वाले बंदे को मार दिया। इसके बाद मैं बग्गी उठा के सीधा इधर आता हूँ। गाइस लाइव कौन कौन देख रहा है, 90s के बच्चे हैं क्या जो 90s में पैदा हुए हैं? फिर आपने ये गाना बहुत सुना होगा, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। मिसेस पूजा को नोक होने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं सूझा। वो बंदा भी वहां से भाग गया। चलो कल आना कैंपर्स। टीम आ रही लग रहा है मेरे पे। ध्यान से सुन रहे हो फुटस्टेप्स को, ये तभी आती है जब बंदे अग्रेसिव होके फुल रश मारते हैं। तब ऐसा सीन होने वाला है ना, जिसको देखने के बाद मतलब मैं समझा नहीं पाऊंगा। अभी देखो आप। मैं एक शेर हूं ना कि कोई चींटी, पंगा लेने से पहले सोच लेना, नाम है मेरा DT। तो गाइस ये वाला क्लच आपको कैसा लगा, मतलब बैक टू बैक मैंने दो ड्रॉप शॉट यहाँ पे मारे, क्योंकि पहले बंदे ने मेरे को डैमेज कर दिया था, तो मेरे पास यही ऑप्शन बचा था कि मैं ड्रॉप शॉट मारूं इसको और दूसरा उसी टाइम आ जाता है तो तभी उठ के मैं फिर से ड्रॉप शॉट मार देता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे इस वाली टीम की भाई पेटी बन जाती है फाइनली। इसके बाद मेरे हाथ वगैरह कांप रहे थे, तो थोड़ा मैं रिलैक्स होता हूँ, थोड़ी देर रुकता हूँ अपार्टमेंट में ही, उसके बाद मैं निकलता हूँ। और अब देखना, अब तो और खतरनाक सीन होंगे। पीछे बंदे मेरे,
तीनों तरफ से घेर लिया है। ये स्क्वाड हाउस में जो मैंने बंदा नोक किया ना, ये दूसरी टीम आ चुकी है और मेरे आसपास जो बंदे हैं ना, ये अलग टीम है। चलो ये गया। अब ये रिवाइव देने भागेगा। लेफ्ट से ना आ जाए कोई। मेरा बिल इस बंदे फट रहा है। ऊपर भाग गया बंदा यार। चलो ये गए। अरे नहीं 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 भाई, यहाँ पे मेरे हेलमेट पे नजर मारो। और अब हो चुका है खतरनाक रश। भाई साहब, मतलब 1v3 हेलमेट वेस्ट देखो मेरी, मतलब मेरे को कोई चांस ही नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे बच पाऊंगा, फिर भी मैं बच गया। इसी बात पे गौर फरमाइएगा। AKM और M4 से मैंने सबको है धोया। मैंने तो नहीं, पर इस स्क्वाड ने बहुत कुछ खोया। तो गाइज, यहाँ वाली फाइट्स देख के अगर आपको मजा आया हो ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो इस वाले चैनल को, क्योंकि यहाँ पे यार मैंने 2 टीम को मारा है, कोई छोटी बात है क्या? और कितनी मुश्किल से मैं सर्वाइव करके निकल रहा हूँ यहाँ से, मतलब मैं तो अलग ही खुश था। अब मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तभी अरे फ्यूल खत्म हो गया अपनी गाड़ी में। ओ भाई, बंदे भी और फ्यूल भी खत्म हो गया। यार फ्यूल खत्म हो गया यार। इधर राइट से कहीं से आ रहा था बंदा, क्या पता पूरी टीम हो। मैं ओपन में फंस चुका हूँ। ऊपर भी हो सकते हैं इसके बंदे, बाकी पीछे भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। चलो इसकी पेटी बना के। वो भाई पीछे ही बंदे मेरे। हाँ, रिवाइव देने जा रहे हो सर? हमसे तो मिलिए, जब मिलने आए हो तो आधे रास्ते थोड़ी ना जाते यार, पूरा मिल के जाना चाहिए ना यार। आधे रास्ते से ऐसे जाओगे अच्छा थोड़ी ना लगता यार। ये इग्नोर मारेगा जो भी मैं बोल रहा हूँ, लास्ट वाले बंदे को मारने के बाद यूं ही स्टाइल मार रहा था स्ट्रीम पे। तो अब देखो, यहाँ पे 3 बंदे थे, तीनों की मैंने पेटी बना दी, तो मैं इन पेटियों को लूटने लगता हूँ। मैं सोचता हूँ क्या पता कोई गैस कैन वगैरह मिल जाए, या फिर एमओ ही मिले वही उठा लेते हैं। तो तभी मेरे को साउंड आती है दूसरी गाड़ी की। चलो, अब पेट्रोल तो है नहीं अपने पास, गाड़ी ही ढूंढनी पड़ेगी पूरी टीम। अब ये बंदा जोन के बाहर से आ रहा था और तभी मैं सामने आ जाता हूँ। इसकी यहाँ पे बनाते हैं अपन पेटी। और इस बंदे ने वैसे काम अच्छा किया, गाड़ी दे गया है दूसरी, क्योंकि मेरी वाली गाड़ी में फ्यूल नहीं था। वैसे गाड़ी में फ्यूल ना होने से मेरे को एक सीन याद आया, सुनना चाहोगे? तो फिर सुनो, उसने मुझसे कहा कि लॉन्ग ड्राइव पे चल, तो मैंने कही चलो।
पर यार गाड़ी की चाबी ही नहीं मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? उसको मैं शायरी में पेश करना चाहूँगा। अच्छा इरशाद, आज सुबह गाड़ी की चाबी क्या खो गई? वाह वाह वाह, आज सुबह गाड़ी की चाबी क्या खो गई? उतनी देर में वो बेवफा किसी और की हो गई। ओए बंदे बंदे, अरे मार देंगे। फक ब्रो, क्या ही कर रहा हूँ मैं आज भाई। लगा था मर गया मैं फर्स्टेड। अगर ये बंदा यहाँ से घुसता ना गाइस, ये खिड़की से, तो ये मेरे को मार सकता था। पर अच्छा हुआ दूर से आया बंदा। अब यहाँ पे ये सारे मारने के बाद देखो, अब बचे थे कुछ और बंदे। तो मैं देखता हूँ जॉर्ज पुल की तरफ जोन बना है, तो मेन वाले वेयर हाउस में आके रुक जाता हूँ थोड़ी देर और देखता हूँ आसपास कहाँ कहाँ बंदे। तभी मेरे को फायरिंग साउंड सुनाई देते हैं। इधर कोई टावर पे चढ़ने का मन कर रहा होता है मेरा गाइस। अरे इधर हो गई भसड़, चढ़ दे नशे क्या कर रहा। कहाँ चली थी यार M4? अभी ऊपर कहीं मार रहा था इसने, DP से ऊपर वाले बंदों को मार दिया क्या? क्या पता, देखते हैं। पीछे बंदे आ गए मेरे। तो यहाँ पे ये दो बंदे मेरी पीछे से मार, मतलब मेरे को पीछे से मारने वाले थे, पर मैंने सही टाइम पे साउंड सुन के इन दोनों को नोक कर दिया। अब और बचे दो बंदे, मतलब कि इन्हीं के बंदे होंगे वो दो बंदे, मतलब पूरी टीम हो गई है। तो इस गाड़ी लेनी पड़ेगी अपने को जोन ओपन में, गाड़ी के बिना। कहाँ से मारा है बंदा? गाड़ी लेनी है भाई, मत मारो अभी। अब जोन जो है मेरे साथ कर देता है दगाबाजी, मतलब कि ओपन में बन जाता है। मेरे पास गाड़ी होती है और वो बंदे पहले से ही जो है जोन में बैठे हैं, तो मैं सोचता हूँ गाड़ी लेके जोन में जाया जाए। और भाई देखो, मतलब मेरे काम डलने ही वाले हैं। आठ, इसी के साथ हो चुका है 16वीं स्क्वाड में 23 किल का चिकन डिनर। भाई साहब गाइज, इसी बात पे लाइक कर दो यार और शेयर कर दो सभी के साथ। प्लीज़ गाइज लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाँ सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कर लो, ताकि जब भी अपनी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे परसों से आने वाले ग्लेशियर के गेम प्ले समझ रहो, ग्लेशियर चमकाऊंगा स्क्रीन पे फुल फुल चोड़ में भाई, फुल फ्लेक्स मारेंगे अपन, देखो तो सही। तो यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना यार वैसे गेम प्ले अगर देखने आपको तो ग्लेशियर वाले। और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, जय श्री महाकाल।